हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये वीडियो, ताकि आप इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप अपने बीकॉम में आप स्टडी कर रहे हैं, और आपको मुझे पता है कि असाइनमेंट्स की बहुत ज्यादा इश्यूज हो रही होंगी। तो अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कॉमर्स की पाठशाला से चाहिए, और अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं 40% डिस्काउंट पे हमारे पास से, तो वो भी आपको पॉसिबल है मिलनी। और साथ ही साथ आपको 24/7 अगर आपको सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग योर बी कॉम या फिर एम कॉम स्टडी, तो वो जो है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल का जो मेंबरशिप का प्लान है वो आपको लेना है, जिसके लिए आपको इग्नू बी कॉम वाले ऑप्शन में जाना होगा। 119 रुपीज पर मंथ का जो है यहाँ पे एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे आप ट्यूशन करते हो 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए पेमेंट करते हो, उसके लिए आपको उतने पेमेंट नहीं करना है। आपको बस 120 रुपए, 119 रुपए का पेमेंट जो आपको करना है। यहाँ पे आपको सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी जो कि आपको एक ट्यूशन में मिलती है, राइट। और ट्यूशन से करके कोई फायदा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी ट्यूशन करते हैं कि उनको लगता है कि मार्क्स जो है उनके बहुत अच्छे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आपकी सेल्फ स्टडी होती है। जितना आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, जितना अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा, आप उतना बेहतर कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके हमारा जो ज्वाइनिंग मेंबर फी है वो आपको पेमेंट करना है और मेंबर्स बन जाना है। क्या करना होगा इसको करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिंक एक दिखेगा व्हाट्सएप चैट का, जहाँ पे आपको क्लिक करके हमारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को, आई मीन जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है। बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको नोट्स मिल सकते हैं 40% डिस्काउंट पे, है ना। मतलब 40% डिस्काउंट इज अ ह्यूज डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जो भी आपके दिमाग में होगी उन सबको सॉल्व किया जाएगा, और आपको जो है हेल्प की जाएगी अंटिल कि आपका जो कोर्स जो है कंप्लीट ना हो जाए। जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इग्नू फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे बने हुए हैं। थर्ड ईयर भी वैसे ही मतलब बहुत ही जल्द बन जाएगा, जैसे ही उसके बुक्स आ जाएंगे थर्ड ईयर का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस होंगी। अभी आपको वीडियोस थोड़ी कम दिख रही होंगी, बट कुछ ही दिनों में, इस महीने के एंड होने के पहले तक यहाँ कम से कम 20-20 वीडियो जो है हर एक प्लेलिस्ट में होगा, जिनको अगर आप देखोगे समझोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे आ जाएंगे, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर, आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला था वो है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, देखो जो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसा है, बिजनेस का क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। जो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होता है, बिजनेस आप किस तरीके से एस्टैब्लिश करोगे, बिजनेस आप किस तरीके से तैयार करोगे, जो पहला जो फाउंडेशन होगा वो कैसा होगा, तो ये प्योरली जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो भी बिजनेसमैन होता है उसका डिसीजन होता है, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पे करनी पड़ती हैं वो वहां पे करनी नेसेसरी है ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। प्रोफेशन में मेंबरशिप लेना, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको जो है मेंबरशिप लेना पड़ता है किसी प्रोफेशनल बॉडी का। जैसे आपको अभी कॉमर्स की पाठशाला से मेंबरशिप लेने के लिए मैं इनकरेज कर रहा हूँ, है ना। हमारी प्रोफेशनल बॉडी है जो कि कॉमर्स में आपके आपको वीडियोज एंड नोट्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो प्रोफेशन में ये चीजें आ जाएंगी। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट चाहिए, जो कि आपको करना होगा एम्प्लॉयर के साथ, है ना। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको समझ में आ गया। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में वर्क क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, है ना। आपको पब्लिक तक गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के जाना है और उनको सेल करके प्रॉफिट कमाना है। प्रोफेशन में रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, है ना। यहाँ पे प्रोफेशन में आप रेंडरिंग करते हो, मतलब देते हो आप पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो है आप देते हो, एक्सपर्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट में आप परफॉर्मिंग वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, आप वर्क परफॉर्म करते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी टीचर्स का जो रूल है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि हमारा क्या काम है, क्या क्या ड्यूटीज है, वो सारी की सारी चीजें जो है वहाँ पे मेंशन होती है। तो नेचर ऑफ वर्क आपको जो है पता चल जाएगा, पता चल गया होगा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। तीसरा है क्वालिफिकेशन, बिजनेस में किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हुए हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी हुए हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलियन बिलियन डॉलर्स की जो है उन्होंने कंपनी बना ली है, राइट। प्रोफेशन में एक्सपर्ट एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट, है ना। तो किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज होना, ट्रेनिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रोफेशन के केस में, है ना। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट,
क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट के केस में एक एक यू नो क्वालिफिकेशन दी जाती हैं कि आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो ही आप अपॉइंट होगे। जैसे कि हमारे केस में प्राइमरी टीचर हो, मास्टर यू नो 11-12 का टीचर हो, तो वहाँ पे मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि आपको मास्टर्स में 60% लाने हैं, बीएड होना चाहिए। इस तरह की क्वालिफिकेशन जो होती है वो यू नो जरूरी होती है। ट्रेनिंग भी देखो बीएड होता है टीचर्स का, है ना। तो उसी तरीके से क्वालिफिकेशन जो है बिजनेस में कुछ नहीं चाहिए होता, प्रोफेशन में चाहिए होता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखो बेसिक ऑफ जो डिफरेंस है वो क्या है, रिवॉर्ड और रिटर्न। तो यहाँ पे जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट जो अर्निंग होती है वही आपका रिवॉर्ड है या फिर रिटर्न है। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फी मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या फिर तो वेज मिलता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा होता है वो बिजनेस में ही होता है, राइट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस, है ना। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके बिजनेस के साइज के ऊपर और नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोफेशन में किसी भी तरह का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत ज्यादा जो है 15-16 लाख रुपए जो आपको खर्चे करने पड़ जाएंगे। सो लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, आपको एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ही कम खर्चों की जरूरत है, लेकिन बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है। और एम्प्लॉयमेंट में तो जरूरत ही नहीं। आप जब कहीं पे काम कर रहे होते हो, किसी के अंडर में काम कर रहे होते हो, तो आपको आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, आपको बस काम करना है और आपको उस चीज के पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है रिस्क। रिस्क तो बिजनेस में डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर। प्रॉफिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको होगा, और इररेगुलर होगा। और रिस्क जो है उसमें प्रेजेंट होता है, रिस्क उसमें हमेशा से प्रेजेंट होता है ना। प्रोफेशन में फी इज जनरली रेगुलर, जो फी होता है वो बहुत ही रेगुलर आता है एंड सर्टेन, जो कि मिलना है आपको अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो बीइंग अ प्रोफेशन, बीइंग अ प्रोफेसर प्रोफेशन इन सम काइंड, तो आपको जो है वहां पे फी आपको रेगुलर मिलेगा, सर्टेन मिलेगा, और वहां लेकिन थोड़ी सी रिस्क होगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो फिक्स्ड और रेगुलर पे आपको मिलता है, और वहां पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, आपको जो है सैलरी हमेशा मिलेगी, है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस अगर आपका खराब हो गया, बिजनेस नहीं चला, तो आप रिस्क है वहां पे, आपका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सो ट्रांसफर पॉसिबल व्हेन विद सम फॉर्मेलिटीज। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉसिबल है बिजनेस के केस में। आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी वाइफ को, अपने यू नो बच्चों को, जो भी आपके हेयर्स होंगे आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आपको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इन दोनों को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशन जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी की डिग्री होती है, है ना। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी जो है कोई एक आदमी ही एक तरीके से अपॉइंटेड होता है, उसके जगह पर उसके परिवार को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब। बिजनेस के केस में किसी भी तरह का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, तभी तो लोग फ्रीली बिजनेस करते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से आते हैं। लेकिन जिसको अपने बिजनेस को बड़ा करना रहता है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। प्रोफेशन के केस में आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा, वहां पे जो भी आपको नियम बताए गए हैं वो आपको फॉलो करना होता है, बहुत ही मिनिमल करना होता है लेकिन करना होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको करना ही है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। तो एम्प्लॉयर ने जो भी बिहेवियर आपको मेंटेन करने के लिए बोला है वो आपको करना होगा एज ए कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। सो दिस इज द बेनिफिट, नॉट द बेनिफिट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।